तो पंचमी तिथि के दिन क्या कोई एक छोटा सा उपाय करना है, जिनसे कि ये उपाय उनको करना है जिनका शादी बहुत दिनों से नहीं हो रहा है, या वो चाह रहे हैं कि शादी करना चाह रहे हैं और फिर भी कोई भी परेशानी आ रही है, उपाय किस प्रकार से करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए उपाय करना कैसे है वो भी बताएंगे, और उपाय के लिए क्या क्या चाहिए सामग्री वो भी आप नोट डाउन कर लीजिए। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले क्या चाहिए आपको, एक आम का पत्ता जो मेरे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये प्रॉपर एक आम का पत्ता चाहिए आपको। उसके बाद सामग्री क्या चाहिए आपको, थोड़ा सा चाहिए सिंदूर, कुमकुम हो जाए तो अच्छी बात है, ये रोली ले लीजिए। उसके बाद चाहिए हल्दी, उसके बाद लाल अक्षत, यानी कि आपके घर में जो अक्षत होता है व्हाइट कलर का चावल, उसमें आपको क्या करना है, ये सिंदूर या कुमकुम लगा दीजिए तो वो लाल हो गया। और पीला अक्षत, यानी कि पीला अक्षत यानी उसी में आपको हल्दी लगा दीजिएगा तो वो हो जाएगा पीला अक्षत। ये समझ इतनी देर बाद समझ में आपको आगे किस तरह से करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए मेरे पास आम के पल्लों पे मैंने क्या किया, सिंदूर से पहले एक स्वास्तिक का बना दिया है, उसके बाद हल्दी से एक स्वास्तिक की धड़ बना दिया, दोनों बना दिया आपने, ध्यान से समझ लिया। उसके बाद आगे चलते हैं, देखिए आगे क्या करना है, ये जो आपके पास लाल वाला जो यानी सिंदूर वाला जो आपने स्वास्तिक बनाया था, इसके ऊपर पीला चावल जो मैंने आपको बताया पहले लेना है वो इस पे चढ़ा दीजिए। उसके बाद इधर जो पीली वाली स्वास्तिक यानी हल्दी से जो आपने बनाया है उस पे आपको ये लाल वाला जो अक्षत है आपके पास वो इसको चढ़ा दीजिए। इतना कर दिया, इसके बाद क्या करना है आपको, जिनका शादी नहीं हो रहा है, जिनको प्रॉब्लम हो रही है बहुत दिनों से, आप मेरे स्क्रीन पे क्या देख रहे हैं, ये नीम का पौधा है, यानी नीम के वृक्ष के पास आपको जाना है और उसके जड़ में इस पत्ते को चढ़ा देना है। अगर आप जिनकी शादी नहीं हो रही उनके हाथ से जाके चढ़वा दीजिए, यानी उनको लेके जाइए चढ़ा दीजिए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर वो नहीं जा सकते तो जब आप जा रहे हैं इस उपाय को करने के लिए, सब कुछ आपने पत्ते पे ले लिया, तो कम से कम उस व्यक्ति से इसको छुला दीजिए, यानी वो जैसे छू देता है, उसके बाद आप उसको ले जाके नीम के वृक्ष के नीचे डाल दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए ये उपाय कब करना है आप लोगों को बता दिया मैंने कि पंचमी तिथि को करना है और सुबह में उपाय कीजिएगा। आप इस उपाय को एक बार करके देखिए, जैसे कि गुरुजी ने बताया है, शीघ्र ही उनकी शादी का योगी बन जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो उपयोगी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।